हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाय। देखो, किंगडम फंजाय जो है, तो मेनली दिस किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा अगर देखें तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे क्या इसमें किंगडम फंजाय में, तो भी या इसमें जानेंगे हम कि सबसे पहले द टर्म इज़ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, देन माइकोसिस, माइकोलॉजी, फंगस एंड फंजाय। तो ये टर्म होती क्या है? माइकोलॉजिस्ट की बात करें तो मेनली ये साइंटिस्ट हैं जो डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ फंजाय। इन माइकोलॉजी द साइंटिफिक डिसिप्लिन, या वी यूज टर्म, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाय। एंड वी हैव माइकोसिस, इट इज एक्चुअली द डिजीजेस कॉज्ड इन एनिमल बाय फंजाय, ठीक है। नाउ व्हाट दिस फंगस इज, फंगस जो है इसे हम यूज करते हैं, दिस फंगस इज यूज्ड एक्चुअली फॉर अ हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ट्रेडिशनली पहले से माइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था। सो फंगस इज अ हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मेनली क्या थे, दैट इज स्टेशनरी थे, एंड दे शो द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड द फंजाय जो है, इट रेफर्स टू द ऑर्गेनिज्म इन किंगडम फंजाय, दैट इज ट्रू फंजाय, एंड इन्हें कहा जाता है, दिस आर ऑल्सो नोन एज यूमाइकोटा। सो ये कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू द फंजाय। नाउ अब हम बात करेंगे, दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किंगडम फंजाय। फर्स्ट इज, जब बात करें स्पीशीज की, तो कितनी स्पीशीज जो हैं वो फंजाय की एग्जिस्ट करती हैं। सो देर आर 90,000 स्पीशीज ऑफ फंजाय डिस्क्राइब्ड सो फार। एंड देखा जाए कि एवरेज लें तो 1,700 न्यू स्पीशीज जो हैं दे आर डिस्क्राइब्ड ईच ईयर। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज अ फंगस। सो ये एक्चुअली हैं क्या, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मींस दे हैव द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल्स। फंजे जो है, ना तो हम उन्हें प्लांट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना तो वो प्लांट्स हैं, ना तो ये एनिमल्स हैं, दे आर सम यूनिक क्रिएचर, सम यूनिक ऑर्गेनिज्म जो ना तो रिजेंबलेंस शो करते हैं प्लांट्स के साथ, ना शो करते हैं रिजेंबलेंस एनिमल के साथ। रिजेंबलेंस तो नहीं बोलेंगे, वी कैन से दैट रिजेंबलेंस शो करते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट प्लांट। कुछ रिजेंबलेंस जो है शो करेंगे प्लांट्स के साथ, कुछ शो करेंगे एनिमल के साथ। सो ना तो वो प्लांट्स में फॉल करते हैं, ना ही वो एनिमल्स में। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं मेनली शो करते हैं दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेनली बाय absorption, because they lack chlorophyll, okay। इनमें जो reproduction होता है, it is mainly by mean of asexual spores, and mainly they store food in the form of glycogen, these are the complex carbohydrates। Now अगर हम fungi की plant body की बात करें, अगर इनके ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें, तो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं मेनली दे हैव अ थैलस। थैलस मींस जो डिफरेंशिएट ना हो, विच इज़ नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, या जो स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट ना हो उसे हम बोलते हैं थैलस। सो फंजाय की जो बॉडी है मेनली थैलस, और ये बनी होती है, यहाँ आप देख सकते हो ये थ्रेड्स। सो ये बनी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है हाइफे, एंड सिंगुलर हम बोलते हैं हाइफा, ओके। एंड सो द बॉडी ऑफ द हाइफा, सॉरी द बॉडी ऑफ द फंजाय इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज हाइफे फॉर प्लूरल, एंड फॉर सिंगुलर वी यूज टर्म हाइफा।
ओके, एंड ये हाइफा जो हैं ये ग्रो करते हैं, इलोंगेट करते हैं बाय इट्स टिप्स. नाउ द फंगल थैलस जो है बना होता है किसका, हाइफा का. एंड ये हाइफे जो हैं, अ मास ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम. दिस इज द इम्पोर्टेंट. ओके नाउ सो व्हाट वी स्टडी, स्ट्रक्चर की बात करें बनी होती है हाइफे के, एंड हाइफे टुगेदर कंस्टिट्यूट व्हाट, माइसीलियम, एंड मेनली होल स्ट्रक्चर को यूज्ड ऑन थैलस. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक मेनली बाय एब्सॉर्प्शन, एंड यहां पर जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय स्पोर्स. ठीक है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन टाइप हेटेरोट्रॉफिक एंड मेनली सेप्रोफिटिक. ठीक है, मल्टी सेलुलरिटी की बात करें तो मैक्सिमम ऑल ऑफ देम जो हैं दे आर मल्टी सेलुलर, लेकिन यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर. ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ब्रीविंग इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं यीस्ट का फर्मेंटेशन के लिए मेनली. देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑफकोर्स ये यूनिसेलुलर जो फॉर्म है दे आर फिलामेंटस हैं. फूड जो ये एक्वायर करते हैं किस तरह से, बाय एब्जॉर्प्टिव टाइप एब्जॉर्प्शन. और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें तो मेनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, एंड आल्सो दे शो सेक्सुअल, एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन इनमें एब्सेंट है. सो स्ट्रक्चर सी है, अगर फंजाई की बात करें तो दिस इज द हाइफा. ठीक है, जो हमने पढ़ा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक हैं तो इनमें सारी की सारी सेल ऑर्गेनिज्म हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है ना, फंजाई की बात की जाए तो मेनली ऑफ कोर्स गोल्जी बॉडीज हैं देयर, वी हैव दिस सेल मेम्ब्रेन एंड ऑफ कोर्स सेल वॉल. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इन केस ऑफ फंजाई द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो फंजे में दिस इज द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स. सो फंजे में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी है, दैट इज काइटिन की. सो फंजे में आउटर कवरिंग दैट इज योर सेल वॉल, देन वी हैव द सेल मेम्ब्रेन. ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट. सो सी हाइफा जो है, व्हाट इज हाइफा इज, ये ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हार्ड इनकी वॉल होती है, वॉल बनी होती है, अब मैंने कहा अभी दैट इज काइटिन की. मे बी, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट है, मे बी द हाइफा जो है इसके बीच में क्रॉस वॉल्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं सेप्टा, ऑल्सो नोन एज पार्टीशन वॉल. जिन हाइफा में ये सेप्टा होता है उन्हें कहा जाता है सेप्टेट हाइफा, और जिनमें ये, फॉर एग्जाम्पल वी टेक हियर टू एग्जाम्पल, वन दिस जहाँ पर ये सेप्टा है पार्टीशन वॉल है तो हाइफा को बोलेंगे सेप्टेट हाइफा. वन मोर कंडीशन हियर इज ये वाला, यहाँ पर कोई भी सेप्टा नहीं है, पार्टीशन वॉल नहीं है, सो ऐसे हाइफा को कहा जाता है ए सेप्टेट हाइफा. एंड नाउ ए सेप्टेट हाइफा अलॉन्ग विद, अगर इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं देन द कंडीशन इज नोन एज सिनोसिटिक हाइफा. सो सिनोसिटिक हाइफा वो हाइफा होते हैं जो क्या हैं, सिनोसिटिक हाइफा वो हाइफा हैं जो एसेप्टेट है अलॉन्ग विद मल्टी न्यूक्लियेटेड. याद रखो दिस इज द इंपॉर्टेंट. तो हाइफा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वॉल इनमें जो है काइटिन की बनी होती है, क्रॉस वॉल जिसे कहा जाता है सेप्टा, जो इन्हें दैट इज कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है किसको, हाइफा को. अगर सेप्टा प्रेजेंट है मतलब क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हैं तो हाइफा को कहा जाएगा सेप्टेट, अगर नहीं है तो कहा जाएगा एसेप्टेट. और एसेप्टेट अगर, सो एसेप्टेट में मल्टी न्यूक्लियेट न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं देन द कंडीशन इज नोन एज सिनोसिटिक हाइफा. सो सिनोसिटिक हाइफा सिंपली मीन एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लियेट हाइफा. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको. ओके सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स दैट इज जो स्ट्रक्चर शो किए हुए हैं. हियर दिस इज योर
सी हियर, दिस इज योर सेप्टेट हाइफा. सेप्टेट हाइफा में आप इजिली देख सकते हो कि देर इज सेप्टम और सेप्टा पार्टीशन वॉल प्रेजेंट है. दिस इज सिनोसिटिक हाइफा. सिनोसिटिक मैंने बोला कि ए सेप्टेट है, सेप्टा वॉल की ही भी नहीं है और मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन है. हाइफा को कहा जाता है सिनोसिटिक. वन फ्रॉम हेयर ऑल्सो इज होस्टोरिया होस्टोरियम. होस्टोरिया और होस्टोरियम की बात करें तो मेनली ये दिस आर स्ट्रक्चर जिसकी वजह से जो फंगस का हाइफा है वो अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेटम के साथ जो है ये अटैच करता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस होस्टोरिया वो अपने आप को फिक्स करता है और एब्जॉर्व करता है दैट इज न्यूट्रिएंट. हाइफल ग्रोथ. नाउ हाइफल ग्रोथ की बात करें तो हाइफा जो है मेनली ग्रो करता है टिप्स रीजन से, एपिकल रीजन से, टिप्स से, ठीक है. और मैंने बोला कि व्हाट दिस माइसीलियम जो है इट इज एन एक्सटेंसिव फीडिंग वेब ऑफ हाइफा. बहुत सारे हाइफा जो हैं एक जब नेटवर्क फॉर्म करेंगे, वेब फॉर्म करेंगे तो उसे कहा जाता है माइसीलियम एंड सिंगुलर इज माइसीलिया. और माइसीलिया जो है दे आर द इकोलॉजिकली एक्टिव बॉडीज ऑफ फंजाई. हाइफा ग्रोथ कैसे करता है? हाइफल ग्रोथ जो है मैंने बोला मेनली बाय जर्मिनेटिंग स्पोर्स. दिस इज योर स्पोर्स, जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा, डिफरेंशिएट करेगा और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसे हम बोलेंगे हाइफा एंड टुगेदर दे कंस्टिट्यूट व्हाट दैट इज योर माइसीलियम. ओके, तो ये है रिप्रोडक्शन दैट इज हाइफल ग्रोथ फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम दैट इज स्पोर्स. व्हाट अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इट इज? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के केस में जो फंगस है ये क्या करता है, द फंगल टिप जो है रिलीज करता है सम एंजाइम्स. नाउ ये एंजाइम जो है ये ब्रेक डाउन करते हैं सबस्ट्रेट को एंड आफ्टर दैट जब ये ब्रेक डाउन करेंगे सबस्ट्रेट को मतलब ये सॉल्युबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म. और उसके बाद आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द सबस्ट्रेट वो वहाँ से जो है फूड को एब्जॉर्व करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है एब्जॉर्व करता है फूड को फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय सीक्रेटिंग द एंजाइम. सो यहाँ पर भी ये यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर जो फंगस की फंजे की टिप है हाइफा की जो टिप है वो सीक्रेट करती है व्हाट, सीक्रेट करती है एंजाइम. एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं सबस्ट्रेट को एंड आफ्टर दैट वो उसे क्या करते हैं एब्जॉर्व करते हैं. सो वी ऑल्सो हैव हियर कि रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स जो हमने बोला तो स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. वी हैव सम हाइफा जैसे पेनिसिलिनम की बात करें तो दिस इज द हाइफा. कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर पाइलोबोलस की बात करें वी हैव हियर, ठीक है. सो जो स्पोर्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं आइदर डायरेक्टली ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द हाइफा और इनसाइड द चैम्बर जिन्हें कहा जाता है स्पोरेंजिया और दे आर ऑल्सो डेवलप ऑन द फ्रूटनिंग बॉडीज. तो स्पोर्स जो हैं वो किसी भी फॉर्म में दैट इज एग्जिस्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर द बेसिक क्लासिफिकेशन जो है हाइफा की. तो हम इसे मेनली स्टडी करते हैं थ्री कैटेगरीज में दैट इज एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइसीट्स भी कहा जाता है. इट ऑल्सो इंक्लूड ड्यूटेरोमाइसीट्स, देन वी हैव बेसिडोमाइसिट्स एंड जाइगोमाइसिट्स. सो जो नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वी स्टार्ट विद द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ दिस किंगडम फंजाई. सो थैंक यू.